आदेश इस सप्ताह आप पुरानी बातों और समय को छोड़कर भविष्य की ओर देखें। नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिल सकती है। धैर्य रखें, किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अपनी बात रखने की आपकी दक्षता चरम पर हो सकती है। लोगों को अपनी राय, योजना या इच्छा से सहमत कर लेंगे। चंद्रमा इन दिनों में गोचर कुंडली के धन भाव से पांचवें भाव तक जाएगा। कामकाज का दबाव बना रहेगा। ऑफिस में कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। दिनचर्या में भी थोड़ा बदलाव होने के योग है। ऑफिस में कोई नया काम शुरू होने की संभावना है। आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। परिवार और ऑफिस दोनों जगह शांति, प्रेम और संतुष्टि का वातावरण बनेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, सम्मान मिलेगा। परिवार के बड़े सदस्यों की राय गंभीरता से लें। लव लाइफ सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के कुछ दिनों में जीवन साथी से मामूली कहासुनी हो सकती है। क्रियर तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। अन्य क्षेत्र के स्टूडेंट्स को सफलता के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। धन संबंधी मामलों में किसी पर विश्वास ना करें। साझेदारी के कामों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सावधानी रखें, हेल्थ पिता की सेहत को लेकर इस सप्ताह चिंता रहेगी। इन दिनों में कोई चोट भी लग सकती है। सावधान रहें। वृष राशि वालों के लिए ये 7 दिन शुभ है। इन दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से चलकर सिंह राशि तक जाएगा। इन दिनों कार्यक्षेत्र में कठिन काम निपट सकते हैं। हर तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। आपके मन में मेहनत के परिणामों को लेकर कोई बेचैनी भी हो सकती है। आप अपने कामकाज में सफल हो जाएंगे। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। किस्मत का साथ मिलेगा। काफी समय से अटकी कोई बात इन दिनों में पूरी हो सकती है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सामाजिक कामकाज भी पूरे हो सकते हैं। आप संवेदनशील और भावुक भी रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें। लव लाइफ सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। किसी बात पर जीवन साथी से अनबन हो सकती है। करियर इस सप्ताह करियर संबंधी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मेहनत का फल भी आपको इन दिनों में मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। वृष राशि वालों को पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। साझेदारी के बिजनेस में हाथ ना डालें। हेल्थ मौसमी बीमारियों का असर छोटे बच्चों पर दिखाई देगा। परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी बीमार हो सकता है। मिथुन, किसी खास व्यक्ति से बातचीत होगी। इस सप्ताह करियर में प्रगति के मौके मिल सकते हैं। ऑफिस में लोग आपके काम से खुश होंगे और उन पर आपका सकारात्मक प्रभाव रहेगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं या इसके लिए आपके नाम की सिफारिश भी हो सकती है। मेहनत और भागदौड़ हो सकती है। घर परिवार का माहौल सुधारने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। परिवार के साथ यात्रा हो सकती है। बिजनेस भी बढ़ेगा। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नए कामकाज भी शुरू हो सकते हैं। इनकम और सेविंग बढ़ सकती है। आप मीठा बोलकर और न्यायपूर्ण बातें करके अपने काम पूरे करवा लेंगे। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। सप्ताह के बीच में जीवन साथी के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय ठीक है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। निवेश सोच समझ कर करें। हेल्थ आपकी सेहत इस सप्ताह पूरी तरह से ठीक रहेगी। बदहजमी या गैस संबंधी परेशानी हो सकती है। कर्क सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो सकती है। समय शुभ है। जॉब और नौकरी में कुछ नए टास्क मिल सकते हैं। उनमें आप सफल भी हो सकते हैं। नई योजनाएं भी बन सकती है। बिजनेस में अचानक बड़ा फायदा होने की संभावना है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। मेहनत का परिणाम आपके ही फेवर में रहेगा।
आदतों में बदलाव हो सकता है। इन दिनों में आप कुछ नए काम भी कर सकते हैं। सप्ताह के कुछ दिन इनकम और खर्चा बराबर हो सकता है। किसी खास मामले में प्लानिंग हो सकती है। वहीं रोजमर्रा के कामकाज भी समय हो जाएंगे। लव लाइफ, अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। प्रिय स्टूडेंट्स, इस सप्ताह पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे। समय अनुकूल रहेगा। व्यापारियों को फायदा होने के योग है। बिजनेस के लिए भी यात्रा पर जा सकते हैं। हेल्थ सेहत के नजरिए से यह समय आपके अनुकूल नहीं है। खाने पीने पर ध्यान दें। पुराने रोग भी इन दिनों में आपको परेशान कर सकते हैं। सिंह, इस सप्ताह आप पूरी ऊर्जा के साथ कामकाज शुरू कर सकते हैं। अपने ही दम पर आप कई कठिन स्थितियों को संभालने में सफल हो सकते हैं। आप बहुत व्यावहारिक रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। लव लाइफ देखें तो प्रेमी या जीवन साथी पर होने वाले खर्च बढ़ भी सकते हैं। इन दिनों में आपको धन संबंधित मामलों में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। शेयर, जमीन, जायदाद आदि में फायदा होने की संभावना है। सामाजिक कारणों से आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। परिवार में माहौल तनावपूर्ण भी हो सकता है। सेहत के मामले में भी कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इस सप्ताह सेहत के मामले में पैसा खर्चा हो सकता है। लव लाइफ सामान्य रहेगी। जीवन साथी से मदद मिल सकती है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही सफलता मिल सकती है। बिजनेस में धन लाभ की संभावना है। शेयर, जमीन, जायदाद तथा कपड़ों का बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। हेल्थ, कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। अस्वस्थता के कारण मानसिक परेशानी भी हो सकती है। कन्या, इन 7 दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 9वें भाव में से 12वें भाव तक जाएगा। इस समय सोचे हुए खास काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। भाइयों या दोस्तों से बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं। आपको समय समय पर मदद भी मिल सकती है। जमीन, मकान, परिवार, ससुराल जैसी कोई भी समस्या या भागदौड़ खत्म हो सकती है। लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। इन दिनों में ऑफिस में होने वाले जरूरी कामों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इस हफ्ते एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी मिल सकते हैं। सोचे हुए काम निपटाने में किस्मत साथ दे सकती है। इन दिनों में पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। यात्राओं में खर्चा हो सकता है। लव लाइफ, प्रेमियों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय नकारात्मक भी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को खास उपलब्धि भी मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए निवेश के नजरिए से समय अच्छा है। हेल्थ, यह सप्ताह सेहत के मामले में ठीक ठाक रहेगा। सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। सेहत कमजोर है तो सुधार होने के योग है। खान पान पर ध्यान रखें। तुला, इन दिनों में छोटे भाई बहन से परेशानी हो सकती है। आपका परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकता है। जरूरी कामकाज निपटाने में परेशानी हो सकती है। किसी बिछड़े या नए साथी से मिलने के योग बनेंगे। ऐसे नए लोग आने वाले दिनों में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आपको कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं। किसी तरह की अनबन या विवाद सुलझने के योग है। घर और ऑफिस में माहौल सकारात्मक हो सकता है। करियर में नए मौके मिलने के योग हैं। दुश्मनों से डर बना रहेगा, लेकिन सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। वाहन से सावधान रहे, चोट लगने की संभावना है। किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करें। लव लाइफ, पति पत्नी के बीच गलत फहमी है तो दूर हो सकती है।
प्रेमियों के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है, विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुल मिलाकर समय अच्छा बीतेगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन कुछ समय में सब ठीक भी हो जाएगा। आपके कामों की तारीफ हो सकती है, अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों के लिए फायदे वाला समय है, नौकरी पेशा लोग भी खुश रहेंगे। हेल्थ, इस सप्ताह आपकी सेहत में पहले से सुधार आ सकते हैं। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, काम की अधिकता के कारण थकावट भी हो सकती है। वृश्चिक, यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। इन दिनों में किसी खास मामले को लेकर टेंशन रहेगी। अपने काम पूरी लगन के साथ करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको सेहत का साथ ना मिले। से सोच समझ कर बोले, कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। इन 7 दिनों में बढ़ा चढ़ा कर बातें करने से बचें। किसी स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। ईमानदारी पर डटे रहे, दूसरों की गलतियां ना ढूंढे। लोगों को आपसे जलन हो सकती है। आप अपने बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें आप सफल हो सकते हैं। लव लाइफ, इस सप्ताह विवाह योग्य युवक युवतियों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। करियर, इस समय लिए गए फैसले आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला अनुभवी से राय लेकर करें। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों को अधिक काम करना पड़ सकता है, सोच समझ कर निवेश करना होगा। हेल्थ, सेहत के नजरिए से यह समय आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिवार में बच्चों व बुजुर्गों की सेहत ठीक रहेगी। धनु, दूर स्थान के नए लोगों से कांटेक्ट होगा, मुलाकात के भी योग हैं। इन दिनों में आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं, संभल कर व्यवहार करें। सप्ताह के बीच में पार्टनर से सहयोग मिलेगा, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी या बिजनेस से जुड़ी कोई राज की बात आपको पता चल सकती है। इन दिनों में नए काम करने का मूड रहेगा, बड़े और खास काम निपटाने की प्लानिंग भी बन सकती है। फिजूल खर्ची से बचें, आपके लिए यह सप्ताह काफी हलचल भरा हो सकता है। कुछ निजी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनका समाधान मिल सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। घर मकान से संबंधित कोई बड़ा फैसला सावधानी से करें। लव लाइफ, शादीशुदा लोगों के लिए 7 दिन ठीक रहेंगे। सप्ताह के आखिरी दिनों में वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, जल्दी ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। करियर, इस सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्टूडेंट्स अपनी कोशिश जारी रखें। आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है, व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। हेल्थ, कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान करेगा, मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहे। मकर, ये 7 दिन बेरोजगार लोगों और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हो सकते हैं, तरक्की और सफलता मिलने के योग हैं। टेंशन खत्म हो सकती है, नए आइडिया भी मिलेंगे, मौज मस्ती का मूड रहेगा। अपने लक्ष्य और जीवन को लेकर आप पूरी तरह गंभीर भी हो सकते हैं। इन दिनों में आप बिल्कुल सटीक फैसले भी ले सकते हैं। इन दिनों में आपको चतुराई से काम लेना पड़ेगा, यात्रा की योजना बन सकती है। इस सप्ताह कामकाज में आ रही रुकावटें कम हो सकती हैं, धैर्य रखें, साझेदारी के कामों से फायदा हो सकता है। जहां तक हो सके विवादों से दूर रहें, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, प्रेमियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। करियर के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है, अपने विवेक से ही फैसला करें। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। हेल्थ, सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, खट्टी और बासी चीजें खाने से बचें।
कुंभ यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। इन दिनों में अधिकारियों से अनबन हो सकती है, उलझने भी बढ़ सकती है, पुराना विवाद इन दिनों में बढ़ सकता है, संभल कर रहे। सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए काम पूरे होने में परेशानी हो सकती है, कामकाज ज्यादा होने की वजह से परिजनों से वैचारिक मतभेद होने की आशंका है। सप्ताह के बाकी दिनों में कोई बड़ा काम भी निपट जाएगा, इससे आपको राहत भी मिलेगी। मेहनत करेंगे और आप धैर्य से काम लेंगे। इस हफ्ते किसी बुजुर्ग से कोई अनुभव मिले तो उसको बहुत गंभीरता से लें। आप इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में या घर में थोड़े ज्यादा व्यस्त भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इन दिनों में आपके काम भी सुलझ जाएंगे, आपको सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी मिलने के योग है। लव लाइफ जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे, दिल की बात बताने के लिए समय ठीक है, सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। करियर करियर के नजरिए से ये 7 दिन आपके लिए सामान्य रहेंगे। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। व्यापारियों को अपेक्षा से ज्यादा धन लाभ हो सकता है। जोखिम भरे निवेश करने से बचे नहीं तो नुकसान हो सकता है। हेल्थ सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी थोड़ी टेंशन हो सकती है। मीन, इन दिनों कामकाज में मेहनत का पूरा फल आपको मिल सकता है। जॉब और बिजनेस में आपको फायदा भी हो सकता है। आप अपने करियर में हल्का फुल्का बदलाव कर सकते हैं और यह संतोषजनक भी साबित होगा। आप पुरानी बातों में भी खोए रह सकते हैं। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने के योग है। इस सप्ताह के बीच में थोड़ी परेशानियों भी हो सकती है। भूमि भवन संबंधी खर्चा बढ़ने के योग है। आपके सुख में कमी आ सकती है। इस सप्ताह आप मकान को लेकर किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। इन दिनों में आप वाहन सावधानी से चलाएं। पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। लव लाइफ पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। लव लाइफ के लिए 7 दिन ठीक रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। खर्चा भी ज्यादा होने से आप परेशान रहेंगे। भूमि भवन संबंधी मामलों में खर्चा हो सकता है। हेल्थ, यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं तो इस सप्ताह आपको आराम मिल सकता है।